भारत मुक्ता करेगी, आराम से बढ़िया से काम करेंगे ईमानदारी से। जो लूट कसूट पहले हुई बीजेपी राज में, वो नहीं होंगे इस राज में। आपको मालूम है कि पहले क्या क्या नहीं होता, अब कहीं पर भी कुछ भी नहीं होगा। ना पंचायत समिति में ऐसा गड़बड़े होगा, ना जिला परिषद में होगा, कहीं भी नहीं गड़बड़े होगा। सर पंचायत समितियों की बात करें तो 6 पंचायत समिति थी जिसमें से दो, एक में निर्दलीय प्रत्याशी था, उसके अलावा सैबू में कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी बढ़त में है अभी तक। ऐसा मैं आपको बताऊं कि बीजेपी तो बढ़त में क्या है, थोड़ी सी हर जगह पे क्या है कि आपस की थोड़ी सी गांव वालों में वो होती है एक दूसरे की वो लड़ाई। उन्हें बकाया अगर वोट देगा तो वोट हमारे प्रत्याशी को ज़्यादा मिले, वोट में कोई कमी नहीं है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा वोट परसेंट में। पर थोड़ा सा क्या है कि वो दूसरा क्षेत्र लग जाता है थोड़ा सा, यहाँ डोक्सा वाला भी तो उस वो नया नए तो जी अभी मेरे काजे ही वो नया क्षेत्र था भाई। अब तक तो ये थे कि वो पहले बनवाई लांजी देखते थे, तो मेरे काजे तो वो नया ही था, नए हमारे डॉक्टर साहब हो गए, नए में हो गया, वो थोड़ी सी कमी रही है, बकाया कोई कमी नहीं है। और बीजेपी वालों की अगर आप बात करें तो उन पर तो खुद का घर नहीं समरा, उनके 6 लोग थे, 6 में थे उन पर, वो 6 के 6 एक नहीं हो पाए। अब और कितनी बेइज्जती कराएंगे वो लोग, उनको मेरे हिसाब से तो यहाँ पर फॉरम ही नहीं बनना चाहिए। बाड़ी के अंदर ही उनके 4 थे, बाड़ी में भी 4 भर के नहीं आए, कोई मतलब नहीं है। अब उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। मलिंगा जी की एक छवि है कि मलिंगा जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन इस बार कहा था कि नहीं साहब बाड़ी से या बसेड़ी से बनेगा जिला प्रमुख। अब मैं आपको इसका जवाब दे दूँ कि सीट सामान थी, हमारा सामान का प्रत्याशी था सैपू के अंदर, अब वो हार गया तब हमारे पास कौन लोग रह गए, SC रह गए, OBC रह गए और ST रह गए, तब सामान्य पर तो सामान्य का ही अधिकार बनता है ना, वो बात थी। उन्होंने कहा हम कहने के बाद में लौटते नहीं है, अगर हमारा प्रत्याशी वहाँ जीतता तो जिला प्रमुख अवश्य बनता। सर कांग्रेस की में जो भर्ती है जो कहीं ना कहीं बीजेपी गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बीजेपी को लेकर डूबी। अब बीजेपी के तो गुटे ही थे कि करीब नहीं तो 14 तो मुख्यमंत्री थे उनके, 7 तो पहली प्रायोरिटी को, 7 दूसरी के, तो उनकी तो कोई कह नहीं सकते कि कितने मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं जानता हूँ कि थोड़े दिन अभी चुनाव आएंगे, जब तक एक जिले का एक मुख्यमंत्री हो जाएगा उनका। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, दूसरी बार भगवान देवी जी बनी है तो मैं भगवान देवी जी से भी कह रहा हूँ और सबसे हम सब मिल के जिला परिषद अच्छी तरह से चले, विकास हो धौलपुर का, यही प्राथमिकता कांग्रेस की रही है। विकास की राजनीति करते हैं कांग्रेस वाले, तो विकास की ही बात करते हैं। और दूसरा आपको पता है कि राजाखेड़ा और धौलपुर में, राजाखेड़ा का तो प्रधान ऑलरेडी निर्वाचित घोषित कर दिया है 21-4 से, अभी धौलपुर का और हो जाएगा। तो राजाखेड़ा में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है, हम 6 में से 6 अपनी जिला परिषद सीट भी जीते हैं। बाड़ी का भी हो गया और हैं 21-4 बाड़ी का भी हो गया। तो मेरी तरफ से मलिंगा जी को भी बहुत बहुत बधाई है कि उनका बेटा वहाँ का नया प्रधान बन गया है। मैं भी आशा करता हूँ वो बेटा भी अच्छी तरह से उनके बाड़ी क्षेत्र में काम करेगा, यही हम सबकी कामना है। और आप देख ही रहे हो कांग्रेस में जो आप लोग सब लिखते थे उसके विपरीत हुआ, आप सब लिखते थे उल्टी सीधी चीज़ें आती थी अखबार में उसके विपरीत हुआ, और हमने सबने मिल के कांग्रेस का जिला प्रमुख बना दिया। आपको पता है वो 17 हमारी सीटें जीती थी, 2 बीजेपी वाले भी हमारे साथ आ गए और उनके 4 ही वोट पड़े, 19-4 के वोट से हम लोग कंटक दूर रह जाएंगे। केवल साहब शाम तक स्थिति बड़ी कसम कसम मानी जा रही थी, लेकिन जिला प्रमुख की कुर्सी पे क्या मानेंगे, एक बार फिर से बाबूजी का जादू चला है? ये आप लोगों के कयास हैं, पहले से ही ये पता था जिस दिन 17 सीटों का, कल ही तो अनाउंसमेंट हुआ है रिजल्ट का, 17 सीटों पे जब कांग्रेस जीती तो पहले से ही पता था कि कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा। ये तो जो धौलपुर की धौलपुर गजट जो चलती है आप लोगों की, वो धौलपुर गजट चल रही थी और हम सब भी उसको गजट को देख रहे थे। धौलपुर गजट को अब बंद कर दिया करो, जो दिखता है वो कई बार होता नहीं और जो कई बार होता है वो दिखता नहीं। ठीक है कांग्रेस को अच्छा क्या कहना चाहेंगे? ये भी साफ थी पूरे जिले में, पूरे जिले के मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और सभी वोटरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले तो। और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अपने जिला प्रमुख बना लेगी, अब बीजेपी के अते पते भी नहीं हैं, उनके 6 सीट जीती थी उनमें से भी उनके 2 के अते पते नहीं हैं, वो भी 2 अपने को ही दे गए। इसलिए यहाँ कांग्रेस में कहीं कोई जिस तरह से कहते कांग्रेस में फूट है जिला प्रमुख के लिए, आप देख रहे हो आपके सामने रिजल्ट आ चुका है, कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। क्या कांग्रेस ही नहीं बीजेपी के कैंडिडेट भी कांग्रेस को मत कर गए हैं जिला प्रमुख के लिए, और हम
धौलपुर में पूर्व मोहम्मद से जी पूर्व देखिए प्लान बनाएंगे। ये कार्यकर्ताओं की कांग्रेस की शानदार विजय है और ये इस बात का भी मैंडेट है कि आज भी कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान के अंदर लोकप्रिय है, ये धौलपुर जिले ने और अलवर ने भी साबित कर दिया है। और अगले जो दो उपचुनाव हैं ये हमारी पूरी उम्मीद है कि वो दो उपचुनाव भी हम जीतेंगे। ये 5 वर्ष सरकार पूरी ताकत से चलेगी और अगली 5 वर्ष की तैयारी। मेरा तो आप लोगों से सबसे एक ही चीज़ का कहना था कि हम सब एक हैं और हम सब एक होते हुए सारे पदों पर आसीन हुए और कार्यकर्ता की जीत है और हमारी जो फलीभूति योजना है उनकी जीत है। हम लोगों ने मेहनत करी, इसकी वजह से हम चारों तरफ अपना परचम फहरा सके। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैंने जिला प्रमुखी में, मैंने धौलपुर पंचायत समिति में, राजाखेड़ा पंचायत समिति में सब जगह मेहनत करी है कार्यकर्ता के नाते। कोई जादू नहीं है, सभी लोगों का सीनियरों का जादू है, सभी लोगों का काम है, जो सबका चला है और सबने काम किया उसका आप लोग रूप देख रहे हैं। ये तो साहब जनता जनार्दन का स्नेह है जो वो जीत कर आई और आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार का जो कार्य है, जो उनके सराहनीय कार्य हैं, योजना हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो जनता पर प्रभाव है उसकी वजह से मेरी माताजी दूसरी बार चुनाव जीती। और धरातल पर जो मेहनत की हमारे तीनों MLAs, चाहे वो खिलाड़ी लाल जी बैरवा साहब हों, चाहे वो गिरिराज जी मलिंगा साहब हों, चाहे वो रोहित बोरा जी हों, तीनों के अथक प्रयासों से, अथक तीनों लोगों ने मेहनत की, उनके अथक प्रयास से, संयुक्त प्रयास से आज मेरी माताजी दोबारा से पुनः जिला प्रमुख बनी है। इसके लिए मैं उन तीनों MLAs का और मेरे बड़े भाई भाई मोनू जाधव का उनका विशेष मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग रहा है मेरी माताजी को जिला प्रमुख बनाने में, उन तीनों का और मोनू जाधव का विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से। एक बात मुझे अच्छी लगी, आप सवाल करना चाहूंगा, अक्सर महिला सीट पर लोग पत्नियों को चुनाव लड़ाते हैं, दोनों बार आपने माता जी को लड़ाया, ऐसा क्या? धरती पर माता से बड़ा मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता जो मेरा सोच है। राजाखेड़ा क्षेत्र में क्या प्राथमिकता रहेंगी? विकास को लेकर के हमारे MLA साहब माननीय रोहित बोरा जी ने कोई आज तक कमी नहीं छोड़ी है। आप यहाँ धौलपुर से राजाखेड़ा की ओर जाते होंगे तो आपको खुद ही दिखता होगा कि कितनी उन्होंने जो काम कराए हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, चाहे एनीकट का काम हो, कोई भी काम हो। हमारे साथ हैं धौलपुर की नवनियुक्त जिला प्रमुख भगवान देवी जी, आप दूसरी बार जिला प्रमुख होने इसका श्रेय किसको देना चाहोगी? मैं तीनों विधायकों को धन्यवाद करती हूँ, इनकी मदद से मैं दोबारा जिला प्रमुख बनी। बेटों को नहीं दोगी? सबूत मिला है उस जमाने में श्रवण कुमार उसमें ले गया था कांवड़ में, और है ना, और अब दूसरी बार इस कुर्सी पे बैठाया, बेटे के लिए क्या कहोगी? बेटा मेरा जिला प्रमुख है और मैं तो केवल शान करने के लिए नहीं, जनता के लिए क्या प्राथमिकता है, क्या करोगी अब? सेवा करेंगे जनता की। तो ये थी धौलपुर की नवनियुक्त जिला प्रमुख भगवान देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।